सिरमौर जिला में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते दिन सिरमौर में कोरोना संक्रमित के 45 जबकि आज 19 नए मामले सामने आए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर के परूथी ने बताया कि बीते दिन सामने आए 45 मामलों में से 25 नाहन क्षेत्र जबकि 20 मामले पौंटा साहिब क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उपायुक्त के मुताबिक बीते कल तक एक्टिव मामलों की संख्या 174 थी, वहीं 19 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 193 हो गई है। उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि लोग लगातार मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उपायुक्त डॉक्टर आर के परूथी ने कहा कि कोरोना संक्रमित के उपचार को लेकर जिला प्रशासन लगातार गंभीर है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में करीब 70 कोरोना संक्रमित लोग होम आइसोलेशन में हैं। उपायुक्त ने कहा कि सरकार की भी यही कोशिश है कि भविष्य में अधिकतर लोगों को होम आइसोलेशन में ही रखा जाए। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को प्रशासन द्वारा आयुष किट मुहैया करवाई जा रही है, जिसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। कोरोना से जो संक्रमित पेशेंट्स हैं उनके एक्टिव केसेस की संख्या 174 हो गई है, जो पहले काफ़ी घट गई थी अब काफ़ी बढ़ गई हैं। पिछले कल ही कोई 45 केस पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 20 केस पौंटा से हैं और 25 केस जो हैं नाहन के आसपास के और इंडस्ट्रियल एरिया के हैं। मैक्सिमम केसेस में ये देखने में आया है कि जो पहले प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे उनके आगे कॉन्टैक्ट हैं जिसमें ये पॉजिटिविटी पाई गई है। बार बार सभी से हम आग्रह करते हैं कि आप सतर्क रहें, जहाँ पे परिवार में एक भी केस पाया जाता है तो बाकी लोग सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन इसका पालन करें। जब तक हम इनका पालन नहीं करेंगे प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। हमारे कोई 70 के आसपास केसेज जो होम आइसोलेशन में हैं, होम आइसोलेशन में भी वो अपना ध्यान रखें, मिक्सिंग मत करें किसी तरह की एक दूसरे परिवार से, जब खासकर जहाँ बुजुर्ग हैं परिवार में या बच्चे हैं उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें। और आप अगर कोई पॉजिटिव है अपना खाने के बर्तन अलग रखें, टॉयलेट जो है उसकी साफ सफाई अलग से सुनिश्चित करें, क्योंकि अब सरकार मैक्सिमम लोगों को होम आइसोलेशन के लिए प्रेरित कर रही है ताकि लोग घर में रह के अपना उपचार करें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, जो भी अच्छा सात्विक आहार है वो खाएं और साथ में जो आयुष किट हैं वो हम सभी को दे रहे हैं, जितने पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनका सेवन करें और कोरोना से दूर रहें। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।